लागन सलेनी के ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर राष्ट्र के अमर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक किया गया नमन। सलेनी रायबरेली में बुधवार को शहीद दिवस के अवसर पर सलेनी के ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर राष्ट्र के अमर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। उप जिलाधिकारी लालगंज विजय कुमार, कोतवाल सलेनी इंद्रपाल सिंह सेंगर एवं शहीद स्मारक ट्रस्ट के महासचिव अशोक श्रीवास्तव के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने स्मारक में श्रद्धा के दीप जलाए व पुष्पांजलि अर्पित किए। शहीद आजम, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव अमर रहे, राष्ट्र के शहीदों को भूलो मत के गगन भेदी नारे भी लगे। भक्तियों के महामंत्री राजेंद्र विश्वकर्मा के अगुवाई में शहीद स्मृति यात्रा को यहां से रवाना किया गया। इस यात्रा में गिरधारी सिंह, शशिकांत तिवारी, सचिन तिवारी, रामू सिंह, गोविंद सरता सम्मिलित हुए। यात्रा गंतव्य स्थल गयोली गांव पहुंची, जहां राष्ट्र के सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को गांव में बने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां ग्राम प्रधान की अगुवाई में अमर शहीदों को समारोह पूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर सुनील सरगम, लेखपाल गोवर्धन, संजय टेलर, सुनील गुप्ता, सर्वेश हर्षित दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर शशिकांत त्रिवेदी के साथ। दोस्तों, महासचिव शहीद स्मारक सलेनी ट्रस्ट। दादा, आज क्या कार्यक्रम था? आज शहीद दिवस है। आज के दिन हमारे देश के 3 अमर शहीदों को फांसी पर लटकाया गया था। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव सिंह जी। उन्हीं के याद में 23 मार्च को पूरे राष्ट्र में अमर शहीदों को नमन किया जाता है। विजिलेंस, मोर विजिलेंस एंड स्टिल मोर विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आज़ादी पा लेने से कहीं ज़्यादा कठिन कार्य है उस आज़ादी को सुरक्षित रखना, उसे अछूत बनाए रखना। ये बलिदानियों के शहादत को हम सभी बलिदान दिवस पे इसीलिए याद करते हैं ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, अपने पूर्वजों के बलिदान से प्रेरणा लेकर वो जो काफ़ी कठिनाई के बाद, बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है, हम उसे दीर्घ समय तक, लंबे समय तक इसे अछूत बनाए रखें।